चलिए स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास टेंथ मैथ की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट ठीक है क्वेश्चन में हम एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है हमने इस वर्ड प्रॉब्लम से पहले तो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है और जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाएगा फिर उसको हमने सॉल्व करना है ठीक है तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास में एक फ्रैक्शन है अगर हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में वन ऐड करते हैं ठीक है एंड इसके डिनोमिनेटर में से वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा जो ये फ्रैक्शन है ना वो रिड्यूस होकर के यानी कि कट कटा करके स्मॉल हो करके वन बन जाता है ठीक है तो चलिए हम इस स्टेटमेंट से एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं ठीक है अब देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन है ना ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है और हमें पता है कि एक फ्रैक्शन का एक न्यूमिरेटर होता है और उसका एक डिनोमिनेटर होता है ठीक है तो चलिए हमारे इस फ्रैक्शन का हम न्यूमिरेटर एक्स सपोज कर लेते हैं एंड डिनोमिनेटर वाई सपोज कर लेते हैं तो लिखते हैं लेट न्यूमिरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई चलिए अब हम न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर की हेल्प से फ्रैक्शन को भी फॉर्म कर लेते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा ना वो होगा न्यूमरेटर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर वाई करेक्ट चलिए अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला इक्वेशन फॉर्म करते हैं ठीक है अब देखिए स्टूडेंट्स इस फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है कि अगर हम न्यूमिरेटर में वन ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में से वन सबसे करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है ना वो रिड्यूस हो जाएगा वो लेस होकर के कट करके वन बन जाएगा ठीक है तो चलिए हम लेते हैं न्यूमरेटर एक्स एंड डिनोमिनेटर वाई ये हमारा फ्रैक्शन हो गया हम न्यूमरेटर में वन ऐड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिनोमिनेटर में से वन माइनस कर लेते हैं तब हमारा जो ये फ्रैक्शन अब जो ये नया फ्रैक्शन बन जाएगा ये कट cut कटा करके रिड्यूस होकर के बन जाएगा वन ठीक है अब हम y माइनस वन को क्रॉस में इस वन के साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वन इक्वल्स टू वाई माइनस वन करेक्ट अब हम y को राइट right से लेफ्ट में लेकर के आएंगे और जो ये प्लस वन है इसे हम लेफ्ट से राइट right में लेकर के जाएंगे तब हमारा इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन माइनस वन तब हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू माइनस वन माइनस वन हो जाएगा माइनस टू करेक्ट तो ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट चलिए अब हम बनाते हैं इक्वेशन सेकंड ठीक है second, अब देखिए आगे क्वेश्चन में लिखा है इट बिकम्स इट यहां पर जो है वो फ्रैक्शन के लिए लिखा गया है ठीक है तो हमारा जो फ्रैक्शन है ना वो वन अपू बन जाएगा अगर हम सिर्फ वन एड करते हैं डिनोमिनेटर में तो आगे क्वेश्चन में लिखा है कि अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ वन ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो वन अपॉइंट टू हो जाएगा तो चलिए लिखते हैं अगेन अगेन अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टू क्वेश्चन क्वेश्चन हम यहां पर इक्वेशन बनाने जा रहे हैं ठीक है question, अगर हम फ्रैक्शन को लेते हैं और उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ वन ऐड करते हैं यानी कि डिनोमिनेटर वाई में अगर हम डिनोमिनेटर वाई में सिर्फ वन ऐड करते हैं तो हमारा जो ये फ्रैक्शन है ना ये कैसा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वन पॉइंट टू यह हो जाएगा वन पॉइंट टू ठीक है अब हम क्रॉस में टू से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वाई प्लस वन से क्रॉस में इस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा टू इंटू एक्स टू एक्स वाई प्लस वन इंटू वन वाई प्लस वन वाई को इस तरफ ले आएंगे तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन और ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ठीक है

टू एक्स माइनस एक्स टू एक्स में से एक्स गया तो कितना आएगा पहले ये प्लस था अब ये माइनस हो चुका है तो टू एक्स माइनस एक्स यहाँ पर बनेगा टू एक्स माइनस एक्स होता है एक्स अब देखिए ऊपर है माइनस वाई पहले नीचे माइनस वाई था उसका साइन चेंज हो गया अब ये प्लस वाई बन चुका है तो माइनस वाई से प्लस वाई करेक्ट फिर है इक्वल्स टू तो लगाएंगे इक्वल्स टू फिर यहाँ पर है वन यहाँ पर है प्लस टू पहले माइनस टू था अब ये प्लस टू हो चुका है तो वन प्लस टू हो जाएगा थ्री तो हमारे पास में एक्स का वैल्यू आ जाएगा थ्री अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास में एक्स का वैल्यू आ गया है थ्री अब हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे ठीक है तो हम क्या करते हैं लिखते हैं पुट x इक्वल्स टू थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है

यहां पर हमने x का वैल्यू निकाला था थ्री करेक्ट और यहां पर हमने y का वैल्यू निकाल दिया फाइव करेक्ट तो देखिए यहां पर हमारे पास में फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर आ गया थ्री और यहां पर हमारे पास में फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आ गया फाइव अब तो फ्रैक्शन निकालना बिल्कुल ईजी है ठीक है तो चलिए हम बनाते हैं फ्रैक्शन x अपॉन वाई तो हम लिखेंगे दे फोर जो फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा जो कि x अपॉन वाई था अब वो हो जाएगा थ्री अपॉन फाइव क्योंकि हमने एक्स का वैल्यू निकाला है थ्री एंड का वैल्यू निकाला है 5. तो यहां पर हमारे पास में, में बस यही पूछा गया था कि व्हाट इज द फ्रैक्शन हमने बताना था कि इस वर्ड प्रॉब्लम में जो फ्रैक्शन है वो कौन सा है तो यहां पर हमने बता दिया कि इस वर्ड प्रॉब्लम में जो फ्रैक्शन है वो है थ्री अपॉन फाइव तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर